मंच में हमारा यहाँ सब जनता अनुसार साथी भाई और सब नमस्कार हजूर है। यहाँ पहली बार आगे धीरे खुशी लगे रमाइल पानी लगे तब धीरे धन्यवाद छ और तब मैं हर साल इसे बुलाउने अब यहाँ पे की पहलवान है अगर आप लोग चाहता है तो इससे लड़ लेता हूँ मैं। अरे गाली तो हमने दिया ही नहीं, हम तो नेपाली भाषा में अपने जनता से बात कर रहे थे, अपने भाषा में गाली दे रहे हैं। इसका बात नहीं है पहलवान जी का, गाली नहीं दे रहे हैं, गलत बात है, एक गलत बात है पहलवान जी। देखो भाई साहब, अब इंडिया से आए हो, हमारे देश में आए हो, आपका सम्मान करते हैं हम, लेकिन हम आपका गाली नहीं दे सकते, आप बेशक दे दो। हमारा देश बिल्कुल छोटा है लेकिन पूरा इतिहास में पता है कि हमारा देश कितना गुलाम नहीं हुआ, ना कभी गुलाम होंगे ना कभी गुलाम होना चाहेंगे। अगर यही बात आपको गाली दिया तो कुछ दिनों बता देंगे गाली दिया कि नहीं दिया। इसी को कहते हैं धन्यवाद। ऐसे नेपाली उत्तर प्रदेश में रोटी बना रहे हैं, ठीक है आप बैठ जाइए पहलवान को, अच्छा पहलवान लाइए लड़ाइए हमसे। हेलो पहलवान, आप बोले हो कि रोटी बनाते हम जैसे नेपाली वहाँ उत्तर प्रदेश में, और तुम्हारा इंडिया में तो एक सड़क में चाय पीने वाला देश का प्रधानमंत्री बन गए, हम तो रोटी बनाते आपका पहलवान नहीं बन सकता। अब अपना चेहरे को मत बोला, हमारे चेहरे आए पूर्व आईजीपी माननीय श्री गुरु बहादुर प्रधान जी, दोनों पहलवान के हाथ मिलवा करके दोनों पहलवान का हौसला बुलंद करिएगा। तो प्रेम जो बनिए बजरंग बनेगी, बजरंग बनेगी। देवा थापा नेपाल और बिन्नी पहलवान हरियाणा के हैं, दोनों पहलवानों में इस समय जोरदार के कुश्ती होने जा रहा है आप लोग के बीच में, और दोनों पहलवानों का कुश्ती के लिए पूर्व आईजीपी हुआ छरहरी बदम बिन्नी पहलवान हरियाणा, इन्हीं के सवाल के जवाब में काली जंग हुआ कठिनी बदन हवादार पत्था दिलवा पहलवान नेपाल समय 10 मिनट। आगे चल आगे चलते हुई कुश्ती का मान है ध्यान दीजिएगा पहलवान, आगे चल आगे बहुत अच्छे बीच में पहलवान साथी लोग आप लोग मंच में थोड़ा सा ना आए, मंच में ना आए भाई बैठिए, मंच में प्लीज मत आइए। आप लोगों के लिए हम लोग दर्शन दिला रहे हैं, आप लोगों को जो भी सम्मान करना है हम लोग करेंगे, कृपया मंच की तरफ ना आइए। नेपाल के देवा थापा बिन्नी पहलवान हरियाणा, हल्के नेपाल के पहलवान देवा थापा, नेपाली को छोड़ो हूँ सर कटिन चतर सर झुक गई ना
देवा थापा पहलवान और बिन्नी पहलवान हरियाणा से, दोनों पहलवान के जबरदस्त के लड़ाई बा और जबरदस्त के कुश्ती भी बा। पहलवान लगी है मुझको से वाले डांट तब किया होगा, कुश्ती बराबर छूट नहीं सकती, फैसला होगा। राजेंद्र भाई आप ख्याल करिएगा, पीसी बजा दिया तो वही है, उससे कुछ भी अगर पटक देंगे तभी भी नहीं मान होगा। बाहर से कौन भी दर्शक का खाना के ऊपर पक्षदारी न करे, छुड़ाइए मत, आपका नेपाल का पहला निश्चय न छुड़ा लेते हो, छुड़ाइए मत। तू लड़ना है जब तक दोनों मूठा लगेगा नहीं, बीच को बच्चे नहीं माना जाएगा। और ये बजरंग बली दोनों तो भगवान किसी से कम नहीं है, और गिर जाए तो कम नहीं, क्या बात है। हम आया पहाड़ के नीचे, क्या बात, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे, क्या बात, कुश्ती में आप लोग बाजा मत बजाइए, कहीं अगर समय से सीटी का ध्यान नहीं पड़ा कोई पहलवान हार जीत जाएगा तो हमारे लिए अच्छा होगा। दोनों पहलवान में एकदम जबरदस्त टकराव है, और नेपाल का इतिहास भी है देवा थापा जी का, जबरदस्त लड़ाई है कुश्ती का। हेलो पहलवान जी, कुछ नहीं हुआ,
बाकी जनता बताए कुश्ती होनी क्या? देखो कुश्ती बीच में हुआ है, यहाँ पूरा चीट करना पड़ता है नेपाल में, आस्था नहीं आई है। भाई धोखाधड़ी का कुश्ती भी मिट्टी लगाना है, लगा दीजिए नहीं मिट्टी होगा, ये कुश्ती का मांग नहीं है। अरे भाई हम तो उसको मिट्टी लगाने के लिए समय दे रहे थे और उसी में ऊपर तक चला गया, कैसे कुछ सेवा कुश्ती तो हो गई है, दो बार कुश्ती हो गई है। Thank you.